लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से कस्बा ओंछा में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को फसल की अवशेष न जलाने को लेकर प्रेरित किया गया। ये तस्वीरें कस्बा ओंछा में आयोजित की गयी पराली न जलाने को लेकर जागरूकता बैठक की है। यहाँ ग्राम सभा ओंछा के प्रधान पति सुरेंद्र देव व ग्राम पंचायत सचिव के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में प्रधान पति सचिव ने यहाँ ग्राम वासियों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया है, साथ ही प्रशासन के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ उन्होंने यह भी बताया कि किसान या ग्रामीण जो भी चोरी चुपके से भी अगर पराली जलाएंगे तो सैटेलाइट कैमरे की नजर में आ जाएंगे, जिनको कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। इसलिए सभी ग्रामीण किसान पराली जलाने से बचाव करें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। वहीं यहां संचारी रोग के बारे में भी संदेश दिया गया और कहा संचारी रोगों से बचाव कर अपने बच्चों और अपने परिवार को सुरक्षित करें। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत आज आपने यहाँ एक मीटिंग बुलाई, अभियान रखा, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मनोज गुप्ता, ग्राम पंचायत गरीब पत्ते ओंछा में कार्यरत हूँ। शासन के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान पूरा पखवाड़ा महीना चलेगा। इसमें आज श्रमदान के रूप में श्रमदान दिवस मनाया जाएगा, तो आज हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं, श्रमदान करेंगे और विशेषतः पराली के भी संबंध में लोगों को जानकारी कृषक भाइयों को देंगे कि अपने खेतों में पराली ना जलाएं, इससे खेत की उर्वरा शक्ति भी कम होती है और वायुमंडल भी दूषित होता है। तो ये हम संचारी रोग के संबंध में कई मीटिंग बैठक वगैरह भी यहाँ हुई हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने घरों के आगे साफ़ सफाई रखें, कहीं जल भराव ना होने दें जिससे मच्छर पैदा हों, क्योंकि इस माह में डेंगू मलेरिया आदि तमाम रोग फैलते हैं। तो हम लोगों का प्रयास है सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अच्छे पालन हो। प्रधान जी, आपका सुनाम का है, कल आज आपने जो एक मुनादी पटवाई, किस संबंध में पटवाई, क्या आपका मकसद, क्या कहना चाह रहे हैं संबंध में? आज देखिए, मेरा नाम सुरेंद्र देव है जी, मैं कोरपुर ओंछा का प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। शासन के आदेश के अनुसार और कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी आदेश है कि जो किसान बंधु किसान भाई हमारे पराली जलाते हैं, पुआल की जो पराली होती है उसको जलाते हैं, इससे एक तो ज़मीन की गुणवत्ता ख़त्म होती है, खनिज पदार्थ उसमें कम होते हैं, ऊपर से वातावरण भी दूषित होता है। शासन के आदेश के अनुसार हमने अपनी पूरी ग्राम पंचायत में मुनादी कराकर सभी किसान भाइयों को इस संबंध में अवगत कराया है कि कोई भी किसान भाई पराली न जलाए। ये पराली जलाने पर FIR दर्ज हो सकती है और जैसा एस्टिमेट होगा, जितनी ज़मीन होगी उस हिसाब से जुर्माना भी वसूला जा सकता है। और पराली जलाने के संबंध में ऊपर सैटेलाइट के द्वारा निगरानी की जा रही है, कोई किसान भाई ये न समझे कि हम पराली जला लेंगे और कोई जानकारी नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है, सैटेलाइट से पूरी जानकारी की जा रही है। इस संबंध में हम अपने ग्राम पंचायत के सभी किसान भाइयों को जागरूक करना चाहते हैं, जागरूक करने के लिए आज का भी यहाँ प्रोग्राम रखा है, श्रमदान दिवस है आज इस संबंध में, और मुनादी के माध्यम से सबको जागरूक कराया कि ऐसी कोई न करे कार्रवाई।